टूल टूल इन आईओटी डेवलपमेंट टूल्स यूज इन आईओटी, मतलब आईओटी में कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, उन सारे टूल्स के बारे में हमको देखना है। ठीक, किस किस टूल्स की सहायता से हम आईओटी डेवलपमेंट करते हैं। इसमें आपका पहला टूल लिखना, जैसे आपके टूल्स हो जाएंगे, पहला हो जाएगा आर्डुइनो। ठीक है ना, आर्डुइनो आर्डुइनो पहला टूल्स क्या हो जाएगा आर्डुइनो। आर्डुइनो का ये सिंबल होता है, इस तरीके से बना होता है, एक में माइनस होता है एक में प्लस होता है। ठीक, इसके नीचे आर्डुइनो लिखा होता है, ये इसका क्या होता है लोगो होता है आर्डुइनो का। ठीक है ना, लिख लो, इट इज ओपन सोर्स, इट इज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, इट इज अ ओपन सोर्स रिमोट प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म, इट इज अ ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग रिमोट लिख लेना रिमोट प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म which is based hardware and software it is a electronic board, it is a electronic board। क्या होता है इसको मैं दिखाया भी था आपको, वो दिखा देंगे नहीं? Yes. फिर से दिखा देंगे। आर्डुइनो क्या होता है, एक बोर्ड होता है, इसमें एक केबल होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक, इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक, एक स्विच होता है और एक LED होती है ऑन ऑफ करके दिखाती जो कि पावर है उसमें कि नहीं है। ठीक, कई सारी पिनें होती हैं इसमें जिसके थ्रू क्या हम इनपुट देते हैं या आउटपुट देते हैं, ये सारे किस इसमें किस किसके थ्रू देते हैं, पिनों के थ्रू। इसमें कुछ पिनें डिजिटल होती हैं, कुछ एनालॉग पिन होती हैं। ठीक, वो सारी पिनें के पिनों के बारे में होती हैं, देख लो पहले देखा लिख लो, इट प्रोसेस डेटा by taking sensors and gives output to actuators. ठीक हो गया।
अगला लिखना इक्लिप्स आयन, इक्लिप्स एक्लिप्स आयन। इसके अंदर ये बस इतना ही लिख दो, इट इज आल्सो, इट इज आल्सो आ आईओटी कोड राइटर, आईओटी कोड राइटर। रसबेरी पाई, रसबेरी आर ए एस, आर ए एस बी ई डबल आर वाई, रसबेरी पाई, रसबेरी पाई। रसबेरी पाई क्या होता है, ये आपके सिंपल सा जैसे आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड नहीं होता पूरा, ठीक सेम उसी से छोटा होता है, लेकिन ये लगभग इतना कैपेबल होता है कि जितना जो काम आपका लैपटॉप कर सकता है ये सारे काम आपका रसबेरी पाई कर सकता है, ठीक। ये लगभग ये मान के चलो कि 5 से 6 हज़ार रुपये का मिलता है, अगर आप रसबेरी पाई ले लेते हो तो ये लाइक मिनी कंप्यूटर ही इसको कह सकते हो, पूरा जितने आपके सारे काम कर सकता है कंप्यूटर करता है सारे काम ये भी कर सकता है, पूरे काम। आप उसमें कोडिंग भी लिख सकते हो, जितना आप विंडोज इंस्टॉल करना चाहो विंडोज इंस्टॉल करना चाह कर सकते हो, लिनक्स करना चाहो लिनक्स कर सकते हो, मतलब सेम काम आपका जैसे कंप्यूटर करता है पूरा काम ये कर देगा आपका रसबेरी पाई। क्या ये रसबेरी पाई डिफरेंस ये होता है कि ये सस्ता आता है, ठीक, और ये इतना कैपेबल नहीं होता, जैसे आपका जो पीसी होता है ये क्या होता है मतलब ड्यूरेबल होता है टिकाऊ होता है, लेकिन ये इतना नहीं होता। ये क्या होता है कि जब इसमें सिर्फ कोड टेस्टिंग के लिए होता है, जब हम लोग जैसे लिखते हैं उसके बाद क्या ये सिर्फ सिंपल सा एक मदर बोर्ड होगा उसमें सारा, जैसे आपको आपने मदर बोर्ड कहीं देखा है कि नहीं, उसमें कई सारी सर्किटें वगैरह होती हैं, जैसे आर्डुइनो का देखा है, आर्डुइनो देखा कि नहीं, छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर वगैरह बता रही, ठीक। अभी चलते स्क्रीन पे दिखा देंगे कैसे होते हैं, बट लाइक मदर बोर्ड होता है, कोड वगैरह दिखता है, कोड वगैरह आपके स्क्रीन से कनेक्ट करोगे, जैसे मॉनिटर से आप लोग सीपीयू देखते हो, आप दोनों सीपीयू में मतलब कंप्यूटर में होता क्या है, सीपीयू ही तो होता है ना, सीपीयू के अंदर पूरी आईसी है कि नहीं, सेम उसी तरीके से होता है, छोटी चीज है आईसी पूरी होती है उसमें, इसको भी आप मॉनिटर से कनेक्ट कर दोगे तो आपका आउटपुट मॉनिटर पे दिखेगा, जैसे आप लोग सीपीयू को अपने मॉनिटर से कनेक्ट करते हो उसे मतलब इनपुट देंगे कैसे, इनपुट देने के लिए आप अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक, या सेम इसी में कीबोर्ड वगैरह भी कनेक्ट करके डायरेक्ट इसी में इनपुट दे सकते हो, जैसे आप लैपटॉप में देते हो कीबोर्ड पर कनेक्ट करते हो वैसे ही आप इसमें कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इसमें स्क्रीन मतलब एक तरीके से कहें तो ये सीपीयू है लाइक सीपीयू भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर रसबेरी पाई इज अ लो कॉस्ट, रसबेरी पाई ये एक लो कॉस्ट कंप्यूटर ही इसको कह सकते हो, रसबेरी पाई is a low cost pi is a low cost credit computer you know that plugs that plugs into a computer or monitor to give output. कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप कंप्यूटर में भी आउटपुट देख सकते हो, और अगर सिंपल से मॉनिटर में कनेक्ट करते हो तो मॉनिटर में भी आउटपुट देख सकते हो। इसमें कई सारे यूएसबी पोर्ट भी होते हैं, आपको जैसे अगर आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है माउस कनेक्ट करना है वो भी कनेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इंटरनेट कनेक्शन भी दे सकते हो, सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हो।
कुछ डिवाइस और होती है उनके नाम लिख लो बस, ये हो गया। क्या होता है अभी दिखा देंगे। जैसे आर्डुनो आपका होता है, आर्डुनो क्या होता है छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखता है, छोटे छोटे लॉजिक लगा के, उसमें मेमोरी भी बहुत कम होती है। लेकिन जो आपका रसबरी होता है इसमें लगभग 3-4 GB रैम होती है, जैसे आपके कंप्यूटर में होती है एडिटिव उसमें भी होती है। तो ये क्या होता है कि अगर आपके बड़े जैसे आपको IoT के अगर आपको ज़्यादा कोडिंग वगैरह जैसे आप लर्नर हो तो आर्डुनो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूज़ करने वाले हो अधिकतर आपका जैसे डेवलपर वगैरह हो तो आपके लिए रसबरी पाई सबसे बेटर रहती है, उसी में कोडिंग आपको करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा महंगा आता है इसलिए लर्निंग के लिए हम क्या लिखते हैं आर्डुनो से। आर्डुनो आपका लगभग मान के चलो कि 1000 के आसपास एक, अगर आप सिंपल सा अगर सिर्फ आर्डुनो ले रहे हो तो 600-700 रुपये का मिल जाएगा। कुछ डिवाइसेज और लिख लो, जैसे आपका हो जाएगा प्लेटफॉर्म आयू, एक और लिख लेना प्लेटफॉर्म आयू, आयो मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्लेटफॉर्म इनपुट आउटपुट। ये भी क्या है इसके भी लिख लेना इट इज़ क्रॉस IDE ऑफ आयो, इट इज़ द क्रॉस प्लेटफॉर्म IoT डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म फॉर्म ऑफ IoT डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अगला लिख लेना IBM Watson, ये हो गया लिखना IBM Watson, IBM कंपनी का एक आता है Watson IBM Watson। नाम लिख लो, एक लिख लो IBM Watson, अगला लिख लो ओपन स्कैडा, पूछा जा सकता है ये क्या है ओपन स्कैडा नोड रेड डिवाइस हाई Device high. बस हो गया। ये सारे के डेवलपमेंट टूल्स हो गए, इसी में आपके जैसे सेंसर एक्चुएटर भी आ जाएंगे। अब आपकी सेकंड यूनिट में सेंसर डिजाइन के सारे सेंसर एक्चुएटर्स अगली एडिंग करना कंट्रोल सिस्टम। ये आपकी सेकेंड यूनिट का स्टार्टिंग है कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट यूनिट आपकी 10 मार्क्स की आएगी, ठीक, ज़्यादातर उसमें नहीं लिखवाया है, उसमें लिखवाया तो काफ़ी है, ठीक, जो चीज़ें और देख लेंगे अगर कुछ जरूरी लगे। हाँ सिलेबस मिला भी है सब लोगों को ना, अगर नहीं मिला तो नीचे से जाके ले लो, सिलेबस भेजा भी है और सिलेबस मिल भी रहा है, फिर से जाके ले लो। नहीं मिल रहा है,
कुछ लोगों को मिल गया है जिसको नहीं मिला है, कंफर्म कर लेगा। कैसे नहीं जिस दिन मिला होगा उस दिन शायद नहीं आई मैम, उसके मैम के पास नहीं आई। That manages and controls commands directly or regulates regulates the behavior of your system. क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक कंट्रोल सिस्टम के, एक कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। फीचर्स और कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम की विशेषताएं, पहला कि आपका कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, देख लेना पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं ना, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। दूसरा देखना एनर्जी सेविंग, ऐसा ना हो कि सारी एनर्जी उसको कंट्रोल सिस्टम में एनर्जी जा रही है, आपके सिस्टम को रन करने में से ज्यादा आप किसमें कंट्रोल करने में एनर्जी जा रही है। अगला लिखना इंप्रूव्ड सेफ्टी, इंप्रूव्ड सेफ्टी आपके कंट्रोल सिस्टम से क्या हो, सेफ्टी आपकी क्या हो, जैसे आप आईओटी प्रोडक्ट बनाओ तो उसमें कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी क्या रहे, सेफ्टी आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करे। ऐसा ना हो कि पता लगे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो वो सेफ ही ना हो, हो सकता है कभी उसमें ब्लास्ट हो जाए कुछ हो जाए, तो जो आप कंट्रोल सिस्टम बनाओ वो क्या सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करें। अगला देखो सेंसिटिविटी क्या होती है,
बताएगा कोई? जैसे सेंस करना मतलब महसूस करना ना, तो वही कि क्या हो आपकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पता लगे आगे लाइट आई वो सेंस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो सेंसिटिविटी जो आपके कंट्रोल सिस्टम की होनी चाहिए वो सेंसिटिविटी क्या हो, और हाँ लिख लेना एक, जैसे यहाँ पे लिख लेना स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी लिख लेना हाई, हाईली सेंसिटिव। जैसे ही सेंस करें वो तुरंत क्या दे दे, कंट्रोल कर दे, एक्चुएटर को। अगला लिखना नॉइज रिडक्शन, नॉइज रिडक्शन। आपका जो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कैसा हो, नॉइज को रिडक्शन। जो नॉइज क्या होती है, अनवांटेड थिंग्स जो कि हम नहीं चाहते, अगर ऐसी चीजें हो रही तो क्या करें उसको हटा दे, नॉइज रिडक्शन होना चाहिए। लिख लेंगे अगला लिखना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब कि आपका जो कंट्रोल सिस्टम बने वो स्टेबल भी हो, ऐसा नहीं कि पता लगा थोड़ा सा लोड बढ़ा आपका कंट्रोल सिस्टम ही फेल हो गया। मैंने ना स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी हिंदी में स्थिरता बोलते हैं, स्टेबिलिटी मतलब आपका सिस्टम कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम जो आपने बनाया है वो स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता लगा थोड़ा सा उस पर लोड पड़ा वो सिस्टम आपका फेल हो जाता है, कंट्रोल करना काम फेल करना पड़ जाता है। अगला लिखो स्पीड, लिखो हायर स्पीड। स्पीड भी आपके कंट्रोल सिस्टम की क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं पता लगे काम उसको तुरंत करना है तो वो काम थोड़ी देर कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन जब उसको चाहिए तब नहीं कर रहा है, तो क्या हो उसकी स्पीड क्या हो, बहुत हाई हो। इसके बाद में डालना है हेडिंग टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम आपका दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। देख लेना देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कई तरीके के होते हैं लेकिन पहला कैसे हो जाएगा आपका ओपन लूप और कंट्रोल लूप। लिख लेना अकॉर्डिंग टू लूप, अकॉर्डिंग टू लूप लिख लेना इसको, पहले क्या लिख लेना अकॉर्डिंग टू लूप, अकॉर्डिंग टू लूप। लूप के अकॉर्डिंग कितने होते हैं आपके, दो होते हैं, पहला कौन सा हो जाएगा ओपन लूप, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। दूसरा लिख लेना क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, एक होता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। ओपन लूप में क्या होता है कि यहाँ पे फीडबैक नहीं लिया जाता है,
ठीक। और क्लोज लूप में क्या होगा कि आपका फीडबैक लिया जाएगा। लूप का मतलब देखो, ओपन लूप क्या है कि अभी प्रोसेस बन रहा है वो पूरा खुला है, इधर से आपका इनपुट हुआ, ठीक, प्रोसेस हुआ, कंट्रोल हुआ और आउटपुट दे दिया, ठीक, ये एक बंद नहीं हो रहा है। और उसमें क्या करेंगे हम, इसको फीडबैक के थ्रू क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये क्या हो रहा, प्रोसेस पूरा क्लोज हो रहा है। क्लोज करने का मतलब हम फीडबैक देंगे, फिर से फिर जरूरत पड़ी तो फिर सुधार करेंगे, फिर बनाएंगे, ठीक। लिख लो पहला, देखो पहले निकालना ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लिख लेना। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सिस्टम इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम सिस्टम इन विच इन विच द आउटपुट ऑफ द सिस्टम depends on the input of the system। इसमें क्या होगा, आपके इनपुट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन द इनपुट आपका, जो आउटपुट होगा वो तो डिपेंड करेगा किस पे, इनपुट पे, लेकिन जो इनपुट होगा वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। इसमें आगे लिख लेना बट द इनपुट डज नॉट डिपेंड ऑन आउटपुट। बट द इनपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द आउटपुट, ऑन आउटपुट। उसके बाद में एक चीज है, आपका इनपुट हो जाएगा, इनपुट प्रोसेस हो जाएगा, इनपुट प्रोसेस प्रोसेस कंट्रोल कंट्रोल आउटपुट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके तीन बॉक्स हो रही है, आपका इनपुट हो गया, प्रोसेस कंट्रोल हो गया और क्या है आउटपुट। आपका आउटपुट तो किस पे डिपेंड है, इनपुट पे, जो इनपुट है उस पे तो क्या हो रहा है आउटपुट डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या इनपुट आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, हम जैसा इनपुट देंगे उस अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट तो चेंज होगा। अगर इनपुट गलत देंगे तो आउटपुट भी क्या दूसरा आएगा, इनपुट कुछ दूसरा देंगे तो कुछ दूसरा आएगा, लेकिन आउटपुट से क्या इनपुट का कोई रिलेशन है, नहीं, इनपुट हमारा क्या है इनडिपेंडेंट है, ये आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं ओपन लूप। जब हम इसको क्या करेंगे कि आउटपुट को भी इनपुट को भी क्या कर देंगे आउटपुट पे डिपेंड करा देंगे, मतलब इससे फीडबैक देगा कि अगर उसमें कुछ कमी आ रही तो फिर से सुधार करें, अगर कमी नहीं आ रही तो सुधार करेंगे, तो नहीं है, अगर कुछ भी कमी लग रही तो फिर सुधार करें, तो क्या हो जाएगा हमारा इनपुट भी क्या हो जाएगा डिपेंड हो जाएगा किस पे आउटपुट पे, उसी को क्या कहेंगे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। यहां पे लेकिन ये हमारा डिपेंड नहीं करेगा, इसको हटा देगा, पता ये वाला फिगर बना लेना, इनपुट प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट। जैसे एग्जांपल में आपकी हो जाएगी वॉशिंग मशीन,
एग्जांपल में लिख लेना है। एग्जाम्पल में लिखना वॉशिंग मशीन, लाइट स्विच, गैस, ओवन एक्सेट्रा। वॉशिंग मशीन ये मैनुअल वाली है आपकी, वॉशिंग मशीन, गैस स्विच, स्विच और क्या हो जाएगा आपका ओवन स्विच लाइट का। जैसे आपने लाइट से स्विच इनपुट दिया, स्विच ऑन हो गया, ठीक। अब वो स्विच बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। आपका बल्ब फ्यूज है तो क्या ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा? नहीं, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आपने क्या किया, स्विच जैसे मान लो ये पावर स्विच है, ठीक, आपने स्विच ऑन कर दिया, ये आपका क्या है बल्ब है, यहाँ पे आपने स्विच ऑन किया, ठीक। तो स्विच इनपुट दिया, अब ये आउटपुट तो डिपेंड कर रहा है कि जब स्विच ऑन होगा तभी बल्ब जलेगा, ठीक। कंट्रोल सिस्टम ये है कि जैसे ही स्विच आप ऑन कर रहे हो तभी क्या होगा, आपका बल्ब जलेगा। आप अगर इनपुट ऑफ कर दे रहे हो तो बल्ब बुझ जाएगा, ठीक। लेकिन ये आउटपुट पे नहीं, जो आपका इनपुट है ये यहाँ पे इनपुट हो गया और ये क्या हो गया आपका आउटपुट, ये आपका बल्ब क्या हो गया आउटपुट। क्या इनपुट इस पर डिपेंड कर रहा है? अगर बल्ब फ्यूज है तब भी ये ऑन रहेगा, ठीक। बल्ब नहीं लगा है तब भी ऑन रहेगा, ठीक। आउटपुट चाहे जैसा हो लेकिन क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये कैसा है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आउटपुट पे। अगर ये ऑन है तभी ये जलेगा, नहीं ऑफ है तो क्या होगा, नहीं जलेगा। इसके अकॉर्डिंग ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है तो क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं। अगला एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का पूरा प्रोसेस देख लेना। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, अब इसके बाद में क्या होता है इनपुट टाइम, आपने कुछ टाइमर डाला होता है, ठीक। जैसे जो मैनुअल वाली आती है, कभी देखी मैनुअल वाली, आप टाइमर उसको घुमा देते हो, रोटेट कर देते हो ना, आपने क्या लिया इनपुट टाइमर, इनपुट टाइमर किया, ठीक। इसके बाद में इनपुट टाइम, इसके बाद में लिखे ना वॉशिंग ड्राइंग प्रोसीजर। अब जैसे पावर ऑन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने पावर दिया और उसका टाइमर ऑन कर दिया तो क्या होगा आपका, या तो वॉशिंग होगा या ड्राइंग होगा ना, जो भी आप कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो तो वॉश करेगा, ड्राइंग कर रहे हो तो सुखाएगा, ठीक। लिख लेना स्प्रेइंग, उसके बाद में क्या होगा स्प्रेइंग, डिस्चार्ज कंट्रोलर और आउटपुट, ये आपके क्या करेगा स्प्रेइंग, मतलब उसके क्या स्प्रेइंग या डिस्चार्ज, आपका पानी वानी जो है वो छोड़ देगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा लास्ट प्रोसेस क्या होगा, ठीक है ना, आउटपुट, आउटपुट। लेकिन क्या कभी आपसे पूछता है कि कपड़े आपके सही से साफ हुए कि नहीं हुए? अगर ना हुए हो तो उनको फिर से निकाल के फिर से उसमें डाल दे ऑटोमेटिक, क्या ऐसा करता है? नहीं, क्या करता है सिंपल सा, उसमें आपने गए वॉशिंग टाइमर ऑन किया, ठीक, आपने जो डोबी और टाइमर सेट कर दिया, टाइमर से क्या हुई आपकी पावर ऑन हो गया है तो या तो वॉशिंग होगी या ड्राइंग होगी। आपने सूखने वाला किया होगा तो सूखेगा, अगर धुलने वाला किया तो धुलने वाला हो जाएगा। जैसे ही आपका टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो भी पानी वानी है डिस्चार्ज कर देगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपके आउटपुट में क्या है आपके कपड़े वगैरह रखें। लेकिन क्या आपके कपड़े से क्या इनपुट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके कपड़े ज्यादा गंदे हैं तो टाइमर ऑटोमेटिक, जैसे आजकल कुछ ले भी रहा है कुछ आउटपुट पे, लेकिन अब जो जो आपकी फुली ऑटोमेटिक वाली हो रही है, लेकिन जो पहले वाली मैनुअल वाली है वो क्या कुछ ले रही है? नहीं। अगर आपके आउटपुट में कपड़े हो चाहे गंदे, अभी गंदे ही रह गए हो चाहे साफ हुए हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये किसमें आ जाएगा आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, लिख लेना। स्प्रेइंग, स्प्रेइंग जो भी पानी है वो क्या है स्प्रे कर देगा, स्प्रेइंग एंड डिस्चार्ज, स्प्रेइंग एंड डिस्चार्ज, और लास्ट में क्या है आउटपुट।
अच्छा जैसे इसमें जब कपड़े वाशिंग मशीन धुलेगा तो ये चेक कौन करेगा? जो धुल रहा है वही तो चेक करेगा कि मशीन चेक कर लेती है? नहीं, आपको भी चेक करना पड़ेगा कि कपड़े धुले हैं कि नहीं सही से धुले हैं। अगर नहीं धुले हैं तो आप फिर से जाके चेक करोगे ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, पूरा प्रोसेस वो नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक प्रोसेस कर रहा है, ओपन लूप, मतलब ये एक तरफ का प्रोसेस कर दे रहा है, आउटपुट आपको दे रहा है। वो धुल तो रहा है लेकिन वो कैसे धुले नहीं धुले हैं। अब जैसे यही होता कि इसमें क्या लगा देते, एक फीडबैक लगा देते कि वो बार बार चेक करता क्या अभी कपड़े सही से धुल गए, अगर नहीं धुले तो फिर से चला देंगे, ठीक, अगर नहीं धुले तो फिर से चला देंगे। अगर ये कर क्या कर देते, अगर हम इसी को एक क्लोज लूप सिस्टम से लाके ऐसे जोड़ देते और ये क्या करवा देते, इसको फीडबैक दिला देते, फीडबैक। अब क्या हो रहा है, हमारा पूरा लूप क्या हो रहा है, क्लोज हो गया। अब क्या करेगा, ये हर बार फीडबैक को चेक करेगा क्या अभी कपड़े सूखे कि नहीं सूखे, नहीं सूखे तो फिर से चलाता रहे, ठीक। मतलब जब तक आपका काम पूरा हो ना जाए वो क्या करता रहे, चेक करता रहे बार बार, जब तक उसमें सुधारने की जरूरत है तब तक वो सुधारता रहे। इसके बाद में डालना एडवांटेज ऑफ ओपन लूप, रहने देना, एडवांटेज ना लिखना, अभी खुद ही समझ में आ रहा है। देखो चलिए क्लियर करो, देखो देखो एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, एडवांटेज ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। अच्छा इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पर फीडबैक फैसिलिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर सस्ता हो जाएगा ना, फीडबैक चेक नहीं कर रहा, देखिए ना क्या हो जाएगा, लो इन कॉस्ट। सेकंड लिखे ना, नॉट मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही है, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत सारे फंक्शन दे दिए समझ में नहीं आ रहा, ठीक। क्योंकि सिंपल सा काम करना है वो ऑटोमेटिक अपना कर दिया, वो साफ हुए हूँ तो ठीक, नहीं साफ हुए हूँ तब भी ठीक। वही कह रहा है, ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ यूनिट्स ओवरऑल द सिस्टम इज इकोनॉमिक, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, यूनिट्स हमको कम लग रही हैं, वही ज्यादा चीजें जब चेक ही नहीं कर रहा है, वो बाहर का आधा प्रोसेस वो खत्म कर दे रहा, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमिक हो रहा है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से सस्ता हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक फिट हो रहा है। कह रहा है दिस सिस्टम पॉसेस सिंप्लिसिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, इनको मेंटेनेंस करना भी आसान होता है क्योंकि इसमें आधा प्रोसेस है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस में भी आराम है क्योंकि आसान है, कमी यूनिट लग रही है इसमें। जब भाई अगर हमारा सिस्टम बन रहा है उसमें सिर्फ इनपुट है और इनपुट के बाद में कंट्रोल है, कंट्रोल के बाद में आउटपुट है, आपका फीडबैक वगैरह है ही नहीं, तो क्या हो रहा है, सिस्टम इजी हो रहा है कुछ ही कंपोनेंट में, तो मेंटेनेंस में भी आसानी दे रहे, ठीक, बनाने में भी आसानी हो रही, इकोनॉमी में भी हमारी मतलब हमारी बजट में भी आ रहा है, ठीक। लेकिन ना डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज लिख लेना, डिसएडवांटेज क्या हो जाएंगे इसकी, मतलब इट इज अनरिलायबल, विश्वसनीय नहीं है ना, कि अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कपड़े सही से साफ ही हो जाएंगे, कह सकते हो नहीं, इट इज अनरिलायबल, अविश्वसनीय। नेक्स्ट लिख लेना, any change in output can not be correct automatically.
अगर हम आउटपुट में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक करेक्ट नहीं होंगे। जैसे अब हम जा उसके अंदर वॉशिंग मशीन में अपना पूरा टाइमर वगैरह सेट कर दिए, अब उसके अंदर जाके पता लगा आउटपुट की जगह कपड़े की जगह पे कुछ और डाल दिए, तो क्या हमारा प्रोसेस कुछ चेंज होगा उसकी जगह? नहीं, वो तो अपना ही काम करेगा कि जो करना है उतने ही टाइमर तक चलेगा, उतना ही धुलेगा, सब कुछ वही वैसा ही करता रहेगा। मतलब आउटपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब अगला डालना क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम फीडबैक भी कहते हैं। सिंपल सा इसमें क्या ऐड हो जाएगा, बस फीडबैक। देखना क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम सिस्टम और इसका एक और नाम भी क्या होता है, फीडबैक, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम देखो, इन दिस सिस्टम the input and output both are dependent to each other. In this system, the input and output both are depend to each other with the help of feedback. इनपुट और आउटपुट आपका दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इनपुट किस पे डिपेंड करेगा, आउटपुट पे, और आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे। किसके साथ इनपुट पे, कैसे वो डिपेंड करेगा आउटपुट, फीडबैक के साथ। आते लिख लिया है, एक फिगर बना देना इसमें। अगला लिखना जो फिगर बना लेना, लिखना प्रीसेट सिग्नल। सबसे पहले इनपुट सिग्नल या प्रीसेट सिग्नल, लगा तो था मैंने इसे स्टार्ट करने ना, प्रीसेट सिग्नल नीचे गया होंगे तो शायद, यहाँ पर लिख लेना एक कंपेयरिंग सिग्नल। आगे लिखना प्रोसेस के बाद में क्या हो जाएगा, आउटपुट। और यहां प्रोसेस से ही एक लगा लेना फीडबैक, फीडबैक ये करेगा आपको, प्रोसेस करेगा फिर आपको फीडबैक देगा, और उसको क्या करेगा, यहां पे फीडबैक ही यहां पे आएगा कंपेयरिंग। ठीक, हर बार इसको कंपेयर करेगा कंपेयरिंग सिग्नल में कि अब हमारा फीडबैक कैसा है, कंपेयर करेगा कि पहले से बेटर है कि नहीं, सही से हुआ कि नहीं, और लास्टली आपका आउटपुट देगा। हो गया, इसके बाद आगे कर लेंगे। एंड दिस विल बी कहां है